यूरेनियम टाइप 34, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप टॉपिक है बेटा। हमने पहले भी टॉपिक करा था टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप विच इज यूज टू सीन द ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा उनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि स्टार है, मून है, कॉमेट है ना, कोई भी है बेटा, कोई प्लेनेट है, उसको देखने के लिए वे है यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लेकिन यहाँ ये बेटा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? क्योंकि बेटा वहां पर जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप करते हैं, क्या होता है कि सभी बच्चों ने पता है वेवलेंथ क्या होती है बेटा, लाइट के अकॉर्डिंग वेवलेंथ होती है बेटा चेंज। जैसे कि ये टॉपिक बेटा मैंने पहले बताया था, वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज, चेंज होती है ना वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैसे चेंज होती है, ये आपको बोला था कि म्यू इज वन बाय लैम्डा स्क्वायर, किसने बताया था बेटा, ये कॉचिज फॉर्मूला था, क्या था ये कॉचिज फॉर्मूला। किसी मेटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट के साथ, और ये बात हमने पढ़ रखी, यदि ये चेंज होगा तो लेंस, क्योंकि बेटा इनमें कौन सा लेंस था, कन्वेक्स लेंस था, और कन्वेक्स लेंस का संबंध आपने पता है वन बाय क्या था बेटा, म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, एफ किसके साथ है, वन बाय एफ क्या बेटा म्यू, इट मीन ये क्या आएगा वन बाय एफ, म्यू इज वन बाय एफ बेटा, इसका मतलब एफ डायरेक्टली किसके हो गया लैम्डा स्क्वायर, एफ डायरेक्टली लैम्डा स्क्वायर। कहने का मतलब बेटा कि फोकल लेंथ, लेंस की है ना बार बार चेंज होगी, लाइट बाजे बाजा बेटा जो अलग अलग होते हैं बच्चे की, बच्चे की जो आईज है क्या होती है, कई होंगे तो बेटा ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव, कई होंगे येलो के लिए, बट मोस्ट ऑफ दी ह्यूमन पर्सन हमारी आईज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है किसके लिए, येलो कलर के लिए बेटा, कितना येलो कलर के लिए। देखा भी होगा जब आप स्पेक्स लगवाने जाते हो, चेक कराने जाते हो, और वो मशीन पे ऐसे रखे और जो ग्रीनरी और वहां ना येलो फूल होते हैं उसमें उसमें फोकस रहता है। तो ये जो है कि फोकल लेंथ चेंज होती है बेटा, वेवलेंथ चेंज होगी, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिकल एब्रिवेशन, क्या बोलते हैं बेटा क्रोमेटिकल एब्रिवेशन, एब्रिवेशन का मतलब बेटा कमी पेशी, कमी होती है, हम रीडिंग लेते हैं कमी आएगी किसकी वजह से आएगी, चेंज इन फोकल लेंथ विद चेंज इन वेवलेंथ के कारण आएगी। दूसरी कमी होती है बेटा स्फेरिकल एब्रिवेशन, क्या होती है स्फेरिकल एब्रिवेशन, स्फेरिकल एब्रिवेशन भी यही होती है कमी इसी प्रकार से कि जो फोकल लेंथ है बेटा, बाजा लेंस का कर्वेचर बड़ा हुआ है, बाजा लेंस का कर्वेचर बड़ा, बाजे का कर्वेचर क्यों बेटा स्मॉल, कर्वेचर कर्वेचर ये बेटा जैसे मैंने बोला था कि स्मॉल, एक तो बेटा आपने देखा होगा कि कराओ ज्यादा कराओ बढ़ गया ये, अरे कम कराओ बढ़ेगा, तो बाजे का तो बेटा क्या होगा कर्वेचर ज्यादा, बाजे का कम होगा, उसकी वजह से क्या आएगी एरर आएगी, वो जो एरर है क्या आएगी, वो एरर क्या होती है, क्या होती है बेटा वो स्फेरिकल एब्रिवेशन। ये मैंने कल परसों आपको जब उस दिन लास्ट में प्रैक्टिकल करने की कोशिश की थी हमने लेंस आड़ी मिरर वाला था, लेंस आड़ी प्रैक्टिकल करेंगे ना बेटा आप, तो क्या आएगा लेंस, एक बच्चे की फोकल लेंथ आ रही 18, एक की 17, एक की 18, एक की 19, क्यों आई अलग अलग, क्योंकि कौन सी दो होंगी, दो एब्रिवेशन आएंगी, एक तो क्रोमेटिकल और एक स्फेरिकल एब्रिवेशन बेटा। इनको दूर करने के लिए, यहां इनको दूर करने के लिए कौन सा टेलीस्कोप आया था, न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, इसका नाम एक और है बेटा, क्या नाम है केस ग्रेन, क्या बेटा ये केस ग्रेन, केस ग्रेन टेलीस्कोप है। क्या होगा इसमें, इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, एक मिरर से, जिससे बेटा मिरर से, क्योंकि मिरर में तो इसका संबंध है ही नहीं फोकल लेंस के साथ,
खत्म ही हो जाएगी एरर ही खत्म कर। कौन सी एरर? क्रोमेटिक एरर प्रिवेशन, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस लेंस हो तो भाई आप किसके साथ चेंज हो गए? वेवलेंथ के साथ, क्योंकि वेवलेंथ किसके साथ चेंज हो लगी? म्यू के साथ चेंज हो लगी। लेकिन म्यू का रोल तो है ही नहीं बेटा मिरर में, तो क्या करा? ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? कंकेव मिरर के साथ। तो यह एक कंकेव मिरर है बेटा, ये ऐसे बनाना आपने, ध्यान से देखिए बेटा, इस तरह बनाना है। ये जो मिरर है बेटा आपका कंकेव है, कंकेव आपने पता होना चाहिए कौन सा होता है बेटा, जिसकी यह साइड रिफ्लेक्टिव हो गई। ये बात सभी को पता है ना, इसका मतलब ये वाला क्या बेटा, पॉलिश, क्या है पॉलिश, और इसके बिल्कुल सेंटर पे यहां इसको ब्लैंक रखना बेटा, ऐसे क्या कर रखा है कि यहां पर एक लेंस, यहां छोटा लेंस है बेटा, यहां एक छोटा लेंस माउंटेड है। ये कौन सा बेटा? ऑब्जेक्टिव मिरर, क्या बेटा ये ऑब्जेक्टिव मिरर कौन सा है? कंकेव, क्या बेटा? कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्टिव मिरर। और यहां जो है बीच में एक हम क्या रखेंगे, एक लेंस रखना बेटा, और दैट लेंस इज आई लेंस। क्यों होगा बेटा? आई लेंस, क्योंकि सभी को पता है पहला लेंस था ऑब्जेक्टिव बड़ा था, दूसरा लेंस था आई लेंस छोटा था, तो बेटा यहां क्या रखेंगे? आई लेंस, क्या रखेंगे बेटा? आई लेंस, दैट इज द आई लेंस, आई लेंस क्या बेटा? ये आई लेंस है, छोटा है तो फोकस भी छोटा ही होगा। क्या हुआ कि जहां इस कंकेव ऑब्जेक्टिव कंकेव मिरर का फोकस है बेटा, वहां पर उससे पहले ही थोड़ा, वहां पर या उससे पहले बेटा आपने एक और मिरर रखना है। कौन सा मिरर रखना है? कन्वेक्स, क्या रखना है? कन्वेक्स मिरर। तो बेटा यहां मान लीजिए इसका फोकस, इस मिरर का फोकस कहां पर है? गमले का बेटा, क्योंकि एक्सिस तो यही है, एक्सिस यही है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस तो यही बनेगी बेटा। तो आप इसका जहां फोकस मान लो, ये फोकस है इसका, समझ गए ना बेटा? इसका ये फोकस मान लो, फोकस पॉइंट है मिरर का। तो आपने उससे पहले ही क्या रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है? एक कन्वेक्स मिरर रखना बेटा, एक छोटा, ये कन्वेक्स, क्या बेटा? ये कन्वेक्स है, दैट इज द कन्वेक्स मिरर, दैट इज द कन्वेक्स मिरर, स्मॉल कन्वेक्स मिरर बेटा। लाइट रे कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। लाइट रे तो पैरेलल आएंगी ना बेटा, लाइटों में क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। ये लाइट क्या आ रही है बेटा? कहां से आ रही है? ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी। लाइट आ रही है, यो मिरर क्या करेगा पता ही सभी को, क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी, क्या होगी? रिफ्लेक्शन। इन लाइट रे ने क्या कर देगा? यो रिफ्लेक्ट, तो इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। ये लाइट रे कहां जाना मिलनी चाहिए? कहां जाओगी? फोकस। लेकिन बेटा इससे पहले क्या रख रखा है? मिरर रख रखा है। ए लो बेटा याद है, हो गया। इस पर मिरर पर पड़ दिशा क्या होगा? ये दोबारा रिफ्लेक्ट कर देगा, दोबारा रिफ्लेक्ट कर देगा। ए लो, तो यह जो लाइट रे बेटा ये यहां पर चली गई, ऐसे ही ये वाली लाइट रे, ये क्या होगी बेटा? जैसे ये दोनों आने चाहिए यहीं पर थी, ये ऐसे, ये जो है ये दोबारा ये वाला है, यह आया बेटा पॉइंट, ठीक है बेटा, ये आ गया एक और। तो अब जो है सेकंड क्या करना है, एक मिनट, स्टेट बनानी है स्टेट। ये लाइट रे पैरेलल लाइट रे दैट विल बी कन्वर्ज, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये लाइट रे यहां जाएगी, दोबारा रिफ्लेक्शन, ओके, ये लाइट रे इस पॉइंट पे मिलेगी, ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे मिलेगी बेटा यहां पर। तो हमें क्या मिल जाएगी? इमेज, क्या मिल जाएगी बेटा? इमेज। तो ये जो है ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत दो कारण के कारण पड़ी बेटा, दो रीजन है। नंबर एक क्या था कि जो टेलीस्कोप था नॉर्मल वाला, उसमें क्या था बेटा?
फोकल लेंथ चेंज होती ऑब्जेक्टिव लेंस की, लेंस यूज होता था क्योंकि लेंस में क्या होता है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, रिफ्रैक्टिंग मटेरियल की फोकल लेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिव मटेरियल का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, किस नंबर का आता है कोचिज ने, उसके अकॉर्डिंग हमने पता है कि जब यू चेंज हो गया तो एफ भी क्या होगा चेंज होगा, इसके कारण क्या फोकल लेंथ चेंज होती है बेटा, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है, इस एब्रीवेशन को, इस कमी को क्या बोलते हैं हम क्रोमेटिकल एब्रीवेशन बोलते हैं। तो रीडिंग जिसकी वजह से क्या की है अलग अलग रीडिंग क्या आएगी बेटा, अलग अलग रीडिंग आएगी। अब क्या हुआ इनको खत्म करने के लिए एक टेलीस्कोप आया बेटा केस ग्रेन टाइप एंड दैट इज द न्यूमेनियन टाइप टेलीस्कोप, इसमें कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी है, क्या कराया जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो रिप्लेस कर दिया किससे, ऑब्जेक्टिव मिरर कौन सा है कंकेव मिरर, क्योंकि बड़ा था तो बड़ा ही पाएगा बेटा, एंड देयर इज ए आई लेंस, नाउ लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट इन्फिनिट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड द पैरेलल लाइट रेज एंड द मिरर विल कन्वर्स, क्योंकि बेटा ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा रिफ्लेक्ट, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा और फिर ये किसके ऊपर पड़ेगी कन्वेक्स मिरर, अनदर कन्वेक्स मिरर एंड लाइट रे आफ्टर द कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा, दीज टू रिफ्लेक्ट लाइट रे आर मीन एट द आई लेंस। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, अब यहां मैग्नीफाइंग पावर वही है बेटा, है क्या ये, है क्या ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है बेटा, देखिए मैग्नीफाइंग पावर ये आएगी एफ नोट बाय एफ टी, क्या आएगा बेटा एफ नोट बाय एफ टी, चलो एक मिनट सुनो ध्यान से, एफ नोट तो आई एफ नोट किसका था ऑब्जेक्टिव लेंस का था, लेकिन यह लेंस नहीं है कौन है मिरर है, क्या बेटा मिरर है, इसलिए इसकी जगह क्या आएगा एफ की जगह, मैंने इन्फॉर्मेशन पर रखी एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, एफ इज इक्वल टू बेटा आर बाय टू, एफ क्या है फोकल लेंथ किसकी मिरर की, किसके साथ रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब बेटा यहां टेक दो तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एम इज इक्वल टू आएगा आर बाय तो आएगा दैट इज द, हाउ टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द न्यूटोनियन टाइप, इसकी न्यूटोनियन टाइप की कैसे बढ़ा सकते हो आप बेटा मैग्नीफाइंग पावर, एम कैसे बढ़ेगा रेडियस पर जमीन बढ़ा कर दो और बड़ा रेडियस तो बेटा तभी होगी ना, जितना बड़ा करोगे आप सफियर उतना बड़ा होता जाओगा, सफियर जितना बड़ा होता जाओगा रेडियस उतनी ज्यादा होती जाएगी। चलिए दूसरा बेटा फोकल लेंथ थोड़ी कम करोगे, क्या करोगे कम छोटा आई लेंस क्या ले लोगे छोटा, क्योंकि बेटा जितना छोटा लोगे उसकी फोकल लेंथ क्या होगी छोटी, और फोकल लेंथ छोटी होगी साथ क्या हो जाएगा एम के ज्यादा ज्यादा, क्लियर है, तो इसको इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही है कि इसकी एडवांटेज बेटा इसके फायदे ये है कि ना तो इसमें क्रोमेटिकल एब्रिवेशन होंगी ना इसमें स्फेरिकल एब्रिवेशन होंगी बेटा, और इमेज क्या बनेगी शार्प इमेज बनती, क्या बनती है शार्प इमेज बनती है। ये एक मूवीज आई थी इंग्लिश मूवीज थी उसमें देखा था मैंने वो, ये टेलीस्कोप ये जो एस्ट्रोनॉट में देखते हैं ऊपर देखते हैं तो वो ऐसा, लेकिन उन्होंने इसको किससे बांध रखा था बेटा चैन, चैन थी लंबी चैने थी ऐसे हैंग करते थे और चैन चैन सिस्टम से इस मिरर को एडजस्ट करते थे, वो लाइट आती थी और यहाँ इस पॉइंट पे फोकस करने के लिए कौन सा है कौन सा ग्रह है ये भाई ये कौन सा ग्रह है उस ग्रह से कौन आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये सारी हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेटा प्लेनेट के बारे में जो फार अवे ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए फाइनाइट अच्छी इमेज लेने के लिए शार्प इमेज लेने के लिए हम टेलीस्कोप कौन सा यूज करेंगे न्यूटोनियन टाइप इंस्टेड ऑफ सिंपल टेलीस्कोप लाइक एज एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, नाउ नेक्स्ट आगे बेटा इसमें न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल क्या है मैं भी बता देता हूँ बेटा, न्यूमेरिकल मेन बेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेटा आपका दो टाइप का न्यूमेरिकल सिर्फ, एक तो है बेटा सबसे मेन जो है ना न्यूमेरिकल वो है आपका ये वाला कि टेलीस्कोप का बेटा, और वो टेलीस्कोप का कौन सा था फाइनल इनफाइनाइट डिस्टेंस
इमेज इनफाइनाइट थी और ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट था, उसके लिए मैंने बताया था बेटा कि एफ नॉट प्लस एफ ई बराबर क्या था बेटा डी, कि उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना था बेटा डी था, एफ नॉट था फोकल लेंथ किसकी ऑब्जेक्टिव की और एफ ई क्या था फोकल लेंथ आई लेंस की, तो यहां एम आया था बेटा आपका एफ नॉट बटे एफ ई आया था लेकिन माइनस था। अब इस माइनस का मतलब तो सिर्फ ये था कि इमेज क्या होती है बेटा उल्टी होती है, इसका न्यूमेरिकल आता है 100%। क्या देगा बेटा आपको मैग्नीफाइंग पावर दे देगा, ये कहेगा द मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट था, ये कौन सा था बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है जहां पर आई लेंस को हम इतना आगे ले आते हैं कि उसका फोकस कहां आ जाए ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर, इधर से कौन है ऑब्जेक्टिव उधर से कौन है आई लेंस, हम आई लेंस को इधर इतना लिया है कि उसकी जो फोकल लेंथ है प्रिंसिपल फोकस है कहां जाए, और इधर से जो प्रिंसिपल फोकस किसका है ऑब्जेक्टिव का, दोनों क्या हो जाए एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो वो कौन था बेटा आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट थी। तो यहां वो कहता है कि भाई किसी नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दी गई है बेटा आपको दैट इज 9 दी गई है बेटा आपको 9 दी गई है एंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 48 ये ले लीजिए बेटा सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज 50 सेंटीमीटर, सेपरेशन दिया 50 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर दे दी बेटा कितनी 9 दे दी। उन्होंने पूछा है दोनों लेंस की वो बताओ फोकल लेंथ निकल जाएगी, ये बेटा यहां पुट कर क्या है एफ नॉट प्लस एफ ई बराबर कितना बेटा एम की वैल्यू 9, क्या रखोगे 9 बराबर है एफ नॉट बटे एफ ई, माइनस रखोगे या प्लस रखोगे प्लस क्योंकि न्यूमेरिकल है बेटा, माइनस का मतलब तो सिर्फ डायरेक्शन उल्टी थी, तो एफ नॉट पार था बेटा कितना आया एफ नॉट बराबर 9 इंटू एफ ई, यहां देखो बेटा 9 और 1 10 इंटू एफ ई बराबर है 50 कितना आया 5, तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा किसने ये सेंटीमीटर में है तो ये 5 आ गया, ये कितना हो रहा है 9 गुणा हो रहा है तो कितना आ जाएगा 45 क्लियर है ठीक है। यदि न्यूमेरिकल एक हो रहा था बेटा वो आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का आपका सिंपल ये ध्यान रखना बेटा देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर ये थी 1 प्लस डी बाय एफ नॉट है ना, अरे नहीं एफ नॉट मैग्नी सिंपल में बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला टॉपिक है मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे बढ़ा सकती है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है बेटा इसको कम करके, कम कैसे करोगे यही है ना डी बाई एफ है ना डी बाई एफ नॉट बेटा पहला जो टॉपिक है सिंपल एंड टोटल एक ही है ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है तो वो आएगा ना इसमें डी बाई एफ है समझ गया ना ओ फोर ऑब्जेक्टिव बेटा ये तो सिंपल में है बेटा, जब इनमें दोनों के लिस्ट डिस्टेंसिस डी की वैल्यू कितनी होती है इस डी की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड कंपाउंड में क्या था बेटा ये तो ना सिंपल में कंपाउंड में एम बराबर क्या था बेटा एल बटे एल बाय एल आया था ना यहां ऊपर एल लेंथ ऑफ द ट्यूब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई ये था बेटा कंपाउंड में लेकिन यहां माइनस क्योंकि जो फाइनल इमेज थी वह क्या थी इन्वर्टेड थी, ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उसके बाद टेलीस्कोप में आपको ये कराई दिया ये टेलीस्कोप में ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका इसका आएगा तो आपने सीधा क्या करना डी की वैल्यू अपने 25 सेंटीमीटर देगा नहीं वहां पर आपने आप लिख रखनी है कितनी 25 सेंटीमीटर क्या दे देगा वो फोकल लेंथ दे देगा बस, तो पावर मैग्नीफाइंग पावर कर दोगे ठीक है तो ये कर रखेंगे।